नमस्कार। दुनिया भर में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ होते हैं और इन जोड़ों के ऊपर एक गद्दा होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। किसी भी कारण से अगर ये कार्टिलेज नाम का गद्दा घिस जाए तो जोड़ों में क्षति हो जाती है जो परमानेंट होती है, जिसका भरपाई नहीं हो सकती, ऐसा नुकसान होता है। इस जोड़ों की गद्दी के क्षति को आर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि जोड़ों की गद्दी खराब होती है और जोड़ काम करना बंद करते हैं। तो ये आर्थराइटिस के जो लक्षण है वो है कि जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ मोड़ने में कठिनाई होती है। इस आर्थराइटिस के सबसे ज्यादा प्रमुखता से इन्वॉल्व होने वाले ज्वाइंट्स, जहां जहां आर्थराइटिस का ज्यादा तकलीफ होती है, वो है घुटने और कूल्हों के ज्वाइंट्स। तो अगर घुटनों या कूल्हों में दर्द है तो लोगों को चलने में कठिनाई होती है, सीढ़ी चढ़ने उठने में कठिनाई होती है, कुर्सी पर बैठने उठने में तकलीफ होती है और दैनिक जीवन की गतिविधियों में उनको तकलीफ होती है। इसकी वजह से वो उनकी उम्र का एक सामान्य व्यक्ति जो सारे काम कर सकता है वो करने में असमर्थ होते हैं, इसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। तो आर्थराइटिस की वजह से दर्द होता है, पांव जाम होते हैं, यानी उनमें स्टिफनेस आता है, पांव मोड़ने में कठिनाई होती है, जोड़ मोड़ने में कठिनाई होती है। इसके अलावा दैनिक जीवन के काम करने में कठिनाई होती है, डिसेबिलिटी कहते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी उम्र के साथ होने वाला जोड़ों का खिसाव। अमूमन 100 में से 50 लोगों के 60 से 65 साल की उम्र में जोड़ घिस जाती है, इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दुनिया का सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है। दूसरा कॉमन कारण जो है आर्थराइटिस या जोड़ों के खिसाव का, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक अनुवांशिक बीमारी है जो प्रमुखता से स्त्रियों में होती है, लेडीज में होती है, 4 लेडीज में होती है तो 1 पुरुष में होती है, और 15 साल से 45 साल की उम्र की महिलाओं में होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये हम कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, इसकी वजह से होने वाले दुष्परिणाम को हम रोक सकते हैं। इसका सही वक्त पे रोग निदान और उपचार होना आवश्यक है। इसीलिए इसके लिए अगर आपको जोड़ों की तकलीफ है या हाथ के पंजों में सूजन आ रही है तो आप तुरंत अपने नजदीकी रूमेटोलॉजिस्ट यानी वात विकार तज्ञ या ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डियों के डॉक्टर, इनके पास जाके सलाह ले। इसके अलावा और कॉमन कारण जो है जिसकी वजह से जोड़ों में घिसाव होता है, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा ऐसा कारण है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम शरीर का वजन कम करें तो हमारे जोड़ों पे आने वाला भार या जोर कम होगा तो हमारा दर्द कम होगा या आर्थराइटिस चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजुरीज, खेल खेलते वक्त अगर हम पूरी तैयारी करके, मसल्स को मजबूत करके, व्यायाम करके वार्म अप करके अगर स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो हमारे लिगामेंट्स में इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। लिगामेंट या कार्टिलेज या मेनिस्कस को इंजुरी होती है तो उससे भी आर्थराइटिस का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट्स होते तो भी आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा कई रेयर कारण भी आर्थराइटिस होने के। तो इन सबका इलाज संभव है सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेने से आप अधिक नुकसान होने से पहले बच सकते हैं। और अगर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अगर आपकी उम्र अधिक है और आपके जोड़ बिल्कुल काम नहीं करते और उसकी नुकसान की भरपाई नहीं होती, तो ऐसे में उनके जोड़ बदली करने के यशस्वी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर अलंकार रामटेके नागपुर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और इसके बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है ताकि हम 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट होने वाले वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के दिन जोड़ों की समस्याओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता कर सके। थैंक यू सो मच।